मूवी का स्टार अगर एक है वो है वरुण शर्मा, एक नंबर था, मजा आ गया डांस देखकर। जो इंटरवल के पहले पार्ट है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिल्म तो अच्छी थी, सब वाइज अच्छी थी, उनके पास स्टोरी थी, कॉमेडी थी, सब अच्छा था उसमें। थी बहुत मजा आया मूवी के अंदर, और खास करके फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। उनकी एक्टिंग बहुत ही शार्प थी एकदम, उन्होंने रोल मॉडल का प्ले किया है उनको फुकरे का, मतलब एक एक तरह से सीक्वेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हमको बहुत ही मजा आया देखने के अंदर। डायलॉग तो नहीं है पर वो हमेशा जो उसकी तिकड़मबाजी जो लगाता है वो अच्छी मूवी थी बहुत। वरुण और पुलकित दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और पंकज त्रिपाठी का जो पार्ट था वो भी बहुत अच्छा था। गाना कुछ था नहीं, देखा नहीं अभी तक। वेरी नाइस फनी मूवी थी, और एज यू नो दैट चूजा वाज इट आउटशाइन्स इन द मूवी। बेस्ट पार्ट ये है कि मृगदीप सिंह लांबा जिन्होंने पार्ट वन और पार्ट टू डायरेक्ट की थी, उन्होंने कंटिन्यूटी मेंटेन की है। मूवी का स्टार अगर एक है वो है वरुण शर्मा, मतलब इतना हंसाया कि उनसे नजर नहीं हटेंगे। आई थिंक आज की डेट में वो बेस्ट कॉमेडियन है। शुरू से चाहे हनी हो, चाहे चूचा हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई भी किरदार हो, शुरुआत से अंत तक कॉमेडी टाइमिंग बेस्ट थी उन लोग की। फुकरे वन अगर यहाँ थी, फुकरे टू थोड़ी यहाँ है, लेकिन फुकरे थ्री वापस से अपना ग्राफ बहुत बढ़ा के आई है वापस, एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, बहुत ज़्यादा प्यारी फिल्म है, हंस हंस के लोटपोट हो गए हैं, एंड आउट एंड आउट एंटरटेनर फिल्म है। मगरमच्छ वाला बहुत ही अच्छा सीन था, उसके अंदर जो एक्टिंग थी पंकज त्रिपाठी सर की वो ऑसम थी, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है।